धूप को रोकना, तो आप फैशन के चक्कर में कोई और प्लास्टिक वाले सनग्लासेस मत ले लिया करो, जो मारने के लिए काम आती है, बट ये मारने के लिए नहीं है, ये वीडियो बनाने के लिए है। क्या मुझे डकार आ रही है? नहीं। सुनती जायफल, तुलसी, पुदीना, लौंग, कपूर, अजवाइन। अरे बहुत ज्यादा लाइट होगी, हे भगवान क्या करूँ मैं अपना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। सो दो वीक पहले जब मैं ट्रिप से आई थी, मैंने आती एक वीडियो बनाई थी, माय ट्रैवल किट्स एसेंशियल, जो बेसिकली मैं दो किट्स कैरी करती हूँ जब भी मैं ट्रिप पर जाती हूँ। एक स्किन केयर की होती है, एक मेकअप की होती है, और उसी के एंड में मैंने पूछा था कि आपको मेरे बैकपैक के बारे में भी जानना है जो मैंने प्रॉपर कैरी किया था, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ जब हमने थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करी थी, बेसिकली बिगिनर्स ट्रैकिंग आप बोल सकते हो। तो मैंने इस हिसाब से बैकपैक पूरा रेडी किया था कि ट्रैकिंग में हमें क्या क्या कैरी करना चाहिए। प्लस ट्रिप से आने के बाद मुझे बहुत चीजें रियलाइज हुई जो आई थिंक हमारे बैकपैक में होनी चाहिए, एंड यू गाइस सेड कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट। सो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। मैंने अभी तक अपना बैकपैक नहीं छेड़ा है, ऑब्वियसली दो तीन एसेंशियल थे वो तो मैंने आते ही निकाल लिए थे, अदरवाइज ये ऐसी कैसी इंटैक्ट है। तो हम देखने वाले हैं कि इस बार ट्रिप पर मैंने क्या क्या कैरी किया, दिस इज हाउ द बैकपैक लुक्स लाइक। और आपको बहुत सारा कशिका ज्ञान मिलने वाला है कि अगर आप ट्रैकिंग पर जा रहे हो, ट्रिप्स पर जा रहे हो, पहाड़ों में जा रहे हो, कहीं भी ऐसे घूमने फिरने जा रहे हो, तो कुछ बेसिक एसेंशियल आपके पास होने ही चाहिए, विद ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे हिट करना है, बेल आइकन पे हिट करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस बैकपैक की, बिकॉज बहुत क्वेश्चन आए थे मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी जब मैं स्टोरीज डाल रही थी ट्रैकिंग की कि ये बैकपैक कहाँ से है। तो ये लावी का है, ये आई थिंक मैंने मिंत्रा से लिया था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, एंड मैंने काफी उस टाइम सोच के लिया था कि मुझे जिप्स ऐसी चाहिए, मुझे जिप यहाँ पर चाहिए, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर जब बैग्स की बात आती है ना, तो मैं बहुत सोच के लेती हूँ, मैं ऐसी रैंडमली कुछ फैशन के लिए ले लेती। ओवरऑल ये बैग दिखता अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसकी जिप की क्वालिटी बहुत ही बेकार है। इसकी जिप्स मैंने मेजरली चेंज करा लिया, बिकॉज आधी वो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में टूट गई थी और आधी इससे पहले भी टूटी हुई थी, तो मैंने निकलने से पहले इंश्योर करा लिया था। मैंने अब इसमें अच्छी क्वालिटी की जिप्स लगवाई हैं, ये जितनी भी टूटी थी मैंने संभाल के रखी थी, लेकिन जो जिप है ये मैंने प्रॉपर एक बैग शॉप पर जाकर रिप्लेस कराई थी। ऑल्सो इसका जो ये पीछे का है ना, ये बहुत जल्दी लूज अप हो गया था, ऐसे फटने लग गया था ये उसी टाइम जब मैं कॉलेज में कैरी करती थी, ये मैंने मोची से टक इन कराया था। सो यार दिखता अच्छा है, स्पेशियस है, इसमें पॉकेट्स अच्छी हैं, बट आई थिंक लावी के ना जिप्स में कोई ना कोई इशू है, इनकी जिप्स बहुत जल्दी खराब होती है। सो यू हैव टू मेक श्योर, अगर मुझे अमेजोन पे मिलेगा ना तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, अदरवाइज मैं आपको एक दो ऑल्टरनेटिव दे दूंगी जो कुछ ऐसे दिखते हैं। एक मैं कशिका ज्ञान देना चाहती हूँ, कभी भी ऐसे बैकपैक लो ना, एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पर जिप हो, ये पीछे, बिकॉज आप बैग यहाँ से टांगते हो ना, तो यहाँ पर अगर जिप होगी ना तो एक लॉक अच्छा बना रहता है, अपना फोन यहाँ पर रख सकते हो। सबसे पहले है मेरे पास ये बॉडी मिस्ट, ये प्लम का, बॉडी लविन का, हवाइन रुम्बा का बॉडी मिस्ट, ये इनका छोटे वाला सैंपल साइज है, बेसिकली जो मिनीज आते हैं ना प्लम के, ये वो है, काफी छोटा है, तो मेरे ट्रिप पर आराम से चल भी गया था, आई थिंक मैंने आधे ज्यादा ट्रिप पर ही खत्म कर दिया था। आई लव्ड इट, इनफैक्ट मुझे इसके ट्रॉपिकल मिमोसा से ज्यादा अच्छा लगा। ट्रॉपिकल मिमोसा इज मोर लाइक समर की खुशबू, थोड़ी सी ऑरेंज सिट्रसी है, जो खट्टी काफी फील होती है, ये एक वैसी सिट्रसी नहीं है, इसकी बहुत अच्छी एक स्वीट भी आती है एट द सेम टाइम, या इसमें परफ्यूम जैसे खुशबू आती है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर ऑफिस वेयर या फिर कुछ क्लासी आप ढूंढ रहे हो ना इन बॉडी मिस्ट, तो ये काफी अच्छा है, हवाइन रुम्बा जरूर ट्राई करना। अगर इसका मिनी मुझे मिलेगा ना अमेजोन पे तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, अदरवाइज आप इसका फुल साइज भी ले सकते हो। आई हैव ऑयल कंट्रोल टिश्यूज मिस्ट क्लियर के, मैंने कितनी बार फीचर करे है ना, अगर आप नए आए मेरे चैनल पे तो शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, अदरवाइज ये तो आपको पता है मेरा एसेंशियल है, मेरे वेडिंग बैग हो, नॉर्मल बैग हो, मैं सबके अंदर डाल के रखती हूँ। सो ये रेगुलर टिश्यू नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, ये मिस्ट क्लियर के मैंने अमेजोन से लिए थे। सो ये एनवेलप स्टाइल में ना यहां से ऐसे खुलता है और यहां से एक एक टिश्यू बाहर आता है, लाइक दिस इज हाउ द ऑयल कंट्रोल टिश्यूज लुक्स लाइक। और अभी काफी देर हो गई मुझे इस रूम में आए हुए, मुझे ऑयल निकलना शुरू हो गया, बिकॉज अभी ह्यूमिडिटी वाला गर्मी वाला वेदर चल रहा है। सो ये काफी सही रहता है, अगर आप टचअप करना चाहते हो ना, आपने मेकअप किया हुआ है, आप वेट पाइप से टिश्यू यूज करोगे सब कुछ निकल जाएगा, सनस्क्रीन मेकअप सब कुछ निकल जाता है, ये काफी अच्छे रहते हैं बिकॉज सारा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैन यू सी अ डिफरेंस, यहाँ पे सेंटर में आपको ऑयल दिख रहा होगा, ये नॉर्मल टिश्यू है और ये ऑयल टच होने के बाद का आप डिफरेंस देख सकते हो। सो एक बार जब सारा ऑयल निकल जाता है ना फेस से, उसके बाद आप कोई भी लूज पाउडर लेके सेट कर सकते हो। मैंने पर्सनली कैरी किया था ये संदीवा का SPF टॉप अप लूज पाउडर, आपने मेरा वोली वीडियो में भी देखा होगा जो मैंने मेकअप किट दिखाई थी, मैंने उसमें भी यही बोला था कि मैंने इसको पहले मेकअप किट में रखा था, फिर जब मैं निकलती थी कहीं भी घूमने के लिए तो मैं इसको अपने बैग में डाल लेती थी, सो दैट मैं इसको बार बार टचअप कर पाऊँ। ये बेसिकली लूज पाउडर है, इसके अंदर SPF है 30+, PA 4x+, थोड़ा सा ये मेसी है, उस वीडियो में आप सबने मुझे सजेस्ट किया था
था कि लैक्मे का लो लैक्मे का भी कॉम्पैक्ट आता है जो आई थिंक 30 या 40 SPF का आता है. मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो लेने वाली हूँ बिकॉज मुझे इसका थोड़ा सा मेसी लगा है. लाइक यू कैन सी ये पूरा लूज पाउडर फैला हुआ है, लाइक पूरा एजेस तक आ गया. इसके होल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो ये बहुत जल्दी मैसअप हो जाता है. सो मैंने इसके साथ एक ब्रश कैरी किया था सो दैट मैं इसको यूज़ कर सकूँ. ब्रश आई थिंक मैंने निकाल दिया है. नेक्स्ट अप आई हैव अ सैटिन स्क्रंची बिकॉज हेयर बैंड हमेशा हेयर बैंड नहीं रबर बैंड. मैं हमेशा इनको हेयर बैंड बोलती हूँ. मेरी नीची मुझे डांटती है मुझे हेयर बैंड नहीं होता है रबर बैंड होता है. हेयर बैंड यहाँ पर लगता है रोनो. मैं बार बार इसको हेयर बैंड बोल देती हूँ. बट मैं हमेशा स्क्रंचीज एक्स्ट्रा रखती हूँ. ये सैटिन की ये नॉर्मल वाली इजिली आपको कहीं पे मिल जाएंगी बिकॉज स्क्रंचीज हमेशा एक्स्ट्रा रखा करो. किसी को देनी होती है स्पेशली जब गर्ल्स या जाते हो ना किसी तो गुम हो ही जाती है. सो बैकअप के लिए भी एक्स्ट्रा होनी चाहिए अगर आपको बन भी बनाना हो. देन रैंडमली यहाँ से बैंडेड निकली है. मैं पूरा एक फर्स्ट एड किट भी लेके चलती हूँ जो इसके अंदर है. मैं आपको दिखाने वाली हूँ बट ये बैंडेड मैंने बाहर रखी हुई है जस्ट इन केस इजिली रीचेबल रहती है. देन आई हैव लॉट ऑफ कंप्रेस्ड टिश्यूज बहुत सारे मेरे पास. यू गाइस नो मैं वेट टिश्यूज नहीं कैरी करती बिकॉज वेट टिश्यूज ना मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करती. और ट्रिप पे मैं ऐसा तो नहीं है ना मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ कि मैं हर महीने ट्रिप पे जाती हूँ. तो वेट टिश्यूज ले लो फिर वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं. इतनी गर्मी वाले वेदर में तो वैसे ही सूख जाते हैं तो फायदा नहीं होता उनको कैरी करने का. इंस्टेंट मुझे ये अच्छे लगते हैं. इसको खोलो इसके ऊपर पानी माइसला वाटर दूध आपको मतलब कुछ भी डालो. आपको मेकअप भी रिमूव करना है माइसला वाटर डालो. आपको वेट वाइप बनाना है तो पानी डालो. ये एकदम बड़ा हो जाता है ऐसे पूरा ऐसे फूल जाता है ये. उसके बाद आप इसको खोल के एज अ वेट वाइप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट अप आई हैव अ हैंड क्रीम फ्रॉम विंटर एम्बर वेरियंट का नाम है और ये ब्रांड है किमरीका. ये काफी अच्छी ब्रांड है. इसका एक सेट ऑफ 3 आया था मेरे पास. इट इज मोर लाइक अ लग्जूरियस सॉर्ट ऑफ ब्रांड. ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है लाइक दिस फॉर 345 लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो कैन डेफिनेटली बाय दीज बिकॉज ये काफी अच्छा लग्जूरियस इफेक्ट देती है. इसका अगर मैं एक सस्ता ड्यूप आपको बताऊं जो अंडर ₹100 आता है वो है स्विस ब्यूटी की हैंड क्रीम. वो आपको अमेजोन पे मिल रही है. मैं नीचे लिंक कर दूंगी. आई थिंक वो 80 या 90 rupees की आती है. पैक ऑफ टू आपको लेना पड़ता है बिकॉज 80-90 rupees की चीज अमेजोन एक तो डिलीवर करेगा नहीं. सो आप दो ले सकते हो और वो काफी अफोर्डेबल और अच्छी भी वर्क करती है. अदरवाइज दिस इज ऑल्सो रियली नाइस थिंग. कभी भी आप पहाड़ों में जाओ तो स्पेसिफिकली हैंड क्रीम कैरी किया करो बिकॉज बाबा सैनिटाइजर यूज कर करके ना हाथ अजीब से हो जाते हैं. ड्राइनेस हो जाती है. विंटर कंडीशन होती है तो और ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है तो ये काफी ज्यादा काम आता है. सो ऑलवेज कैरी दिस. नेक्स्ट आई हैव समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं अपने रेगुलर बैग्स में भी इसको डाल के रखती थी. मैं अपने कॉलेज टाइम पे भी इसको लेके जाती थी बिकॉज अब जो वेदर चल रहा है ना वो थोड़ा सा डेंगू वाला मच्छर वाला. जब बारिश आती है तो और ज्यादा मच्छर होते हैं. पहाड़ों में भी जाओगे ना ट्रैकिंग पे जाओगे आप ट्रैकिंग में जब वो जंगलों के टाइप के बीच के रस्तों से जाते हो वहां पर अजीब से मच्छर होते हैं तो काटते हैं. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ये मामा अर्थ का एंटी मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन. वैसे ही बच्चों का है इसमें फॉग किड्स लिखा हुआ है बट ट्रस्ट में बड़ों पर भी काम कर जाता है. सो ये बेसिकली फैब्रिक रोल ऑन है. आपको इसको अपने फैब्रिक पर लगाना है. सो अगर आपने इतनी स्लीव पहनी है तो आप यहाँ पर फैब्रिक पे लगाओगे. अब मैंने इतनी पहनी है तो मैं यहाँ पर नीचे पैरों के पास जीन्स पर. सो फैब्रिक इससे क्या होती है खुशबू आती है और खुशबू नहीं है इट्स मोर लाइक अगरबत्ती वाली खुशबू है. मतलब इट्स नॉट दैट एक्जॉटिक परफ्यूम वाली बट इसमें एक स्मेल आती है. उससे मच्छर आपके पास नहीं आते. मच्छर आपको काटते नहीं है. कम चांसेस होते हैं मच्छर के काटने के. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ट्रिप पर तो इसको लेकर ही जाया करो बिकॉज इस बार ट्रैकिंग पर हम सबसे ऊपर गए थे ना हमें इतने खतरनाक मच्छर काटे थे ना. मेरी सारी फ्रेंड्स को ऐसे रेड रेड कलर के रैशेज हो गए थे. वो बहुत खतरनाक वाले मच्छर होते हैं. सो प्लीज कैरी दिस बिकॉज ये चाहिए ही होता है. नेक्स्ट अप आई हैव पी सेफ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर जो लिटरली जाने से पहले मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था अमेजोन से. पैक ऑफ 2 इसका मंगाया था. यू जस्ट स्प्रे इट ऑन द टॉयलेट सीट. थोड़ा सा वेट करो वो इवेपोरेट हो जाता है. खुशबू भी अच्छी आती है और सारा वो डिसइंफेक्ट हो जाता है एंड देन यू कैन सिट एंड पी. तो ये काफी सही रहता है. ऑलवेज कैरी दिस. एंड एट लास्ट इस पॉकेट में है एक और रबर बैंड और एक क्लचर जस्ट इन केस मेरा बन बनाने का बन करे तो मैंने ये रखा हुआ है. इसके साथ हमारी ये वाली पॉकेट खत्म हो चुकी है. बाय द वे साइड में भी इसमें दोनों साइड पॉकेट है जैसे वो बॉटल रखने के लिए होती है लेकिन मैं तो इतनी बॉटल रखती नहीं. इस साइड है यूज टिश्यूज. जितने भी हमारे यूज टिश्यूज है वो सब इस साइड है. मुझे क्लीन करना है बैग. मैंने बोला ना मैंने आते इसको टच नहीं किया. मैं कभी भी थ्रो नहीं करती. अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो एक क्या आपको होना ही चाहिए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. आप कहीं पर भी जाओ ट्रैवल करो मेक श्योर आप वहाँ पर कूड़ा ना फैलाओ. अगर कोई डस्टबिन आएगा ना तब फेंका करो. बाकी मैं क्या करती थी मैं कुछ भी यूज करती थी मैं यहाँ साइड पर डाल देती थी बिकॉज कन्वीनियंट रहता था यार. आसपास डस्टबिन नहीं मिलता है बाहर कूड़ा मचाने से अच्छा है कि आप इसके अंदर डाल दो. सो या एंड दूसरी वाली जो पॉकेट है उसके अंदर है 2 चीज़ें. सबसे पहले है ये ड्राई टिश्यू का पैकेट जो चाहिए होता है. कुछ भी खाते पीते हैं बस में कुछ खाना होता है डर्टी हो जाता है हैंड वाइप करने के लिए. सो ये ड्राई टिश्यू का पैकेट है. ओरिगैमी करके ये ब्रांड है. मैंने इसका पूरा बड़ा पैक लिया था. आपको अमेजोन पे मिल जाता है. वो ज्यादा सस्ता पड़ता है. उसमें आई थिंक 20 या 30 आते हैं और मेरा पूरा खत्म हो चुका है तो मैं रिस्टॉक करूंगी. ये वाली पॉकेट में एक और चीज है. ये है फॉरेस्ट एसेंशियल का रोज वाटर. नहीं है ये सैनिटाइजर. जितनी मेरे पास ऐसी छोटी स्प्रे बॉटल्स होती है ना जिसका मिस्ट काफी फाइन होता है मैं उनके अंदर अपना लिक्विड सैनिटाइजर डाल लेती हूँ.
हमने एक बड़ा सैनिटाइजर लिया हुआ है. आप भी कोशिश किया करो जितने भी टोनर्स एंड ऑल की बॉटल होते हैं ना, इसको रीयूज करो. बार बार छोटे छोटे सैनिटाइजर लेने से अच्छा एक बड़ा कैन ले लो. आपको अमेजोन पे मिल जाते हैं बड़े बड़े कैन आते हैं सैनिटाइजर के, उसको लो और फिर उनको इसमें रीफिल कर लो. बार बार डाल भी सकते हो, ऐसे आप दो तीन स्प्रेज और बना के रख सकते हो. मैंने एक अपने सूटकेस में भी रखा था, एक इसमें भी रखा, बिकॉज ये ज्यादा कन्वीनियंट रहता है. काफी फाइन इसका मिस्ट आता है ना, ज्यादा अच्छे से कवर हो जाते हैं. वो जेल वाला जो सैनिटाइजर होता है ना, वो काफी बार लिया तो लीक कर जाता है या फिर वो अच्छे से लग नहीं पाता. मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है. और ये हॉस्पिटल वाला सैनिटाइजर है जिसमें 90+ अल्कोहल कंटेंट होता है, जो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छे से डिसइंफेक्ट करता है, इसलिए मैं ये वाला कैरी करती हूँ. तो हमारा बैग खुलता है कुछ इस तरह से. इसमें एक ही मेन जिप है, इसमें से मल्टीपल वाली नहीं है. इसमें सिंगल आपको जिप मिलती है और अंदर आपको मिलते हैं कंपार्टमेंट्स. यहाँ पर आपको दो कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. है वी हैव टू कंपार्टमेंट्स और एक यहाँ पे पार्टीशन के लिए भी दिया हुआ है. अगर मैं लैपटॉप कैरी करती थी कॉलेज टाइम में तो मैं लैपटॉप को इस साइड रखती थी. ये बीच में भी जो पार्टीशन है इसमें भी यहाँ पे जिप बनी हुई है और पीछे भी यहाँ पे जिप है. आप देख सकते हैं पीछे भी इसमें जिप है. तो सबसे पहले देखते हैं ये जो छोटे छोटे से दो पार्टीशन है ना, इसमें क्या है. सबसे पहले इसमें से सामान निकालते हैं, काफी सारा सामान है. सो सबसे पहले निकला है इलेक्ट्रॉल ओरल रीहाइड्रेशन का सॉल्ट. ये बेसिकली पाउडर होता है, आप इसको पानी में डाल के पी सकते हो. सो कभी भी आपको अनइजी फील हो, आपको लूज मोशन लग रहा हो, आपको वीकनेस आ रही हो, काफी बार डिहाइड्रेशन हो जाती है, गर्मी इतनी ज्यादा होती है. नेक्स्ट है मेरे पास ये हनी डस्ट का हॉट सिप. ये है आयुर्वेदिक काढ़ा. ये भी एक पाउडर फॉर्म में और ये काढ़ा जैसा है, मतलब इसके अंदर जितने भी काढ़ा वाले हर्ब्स होते हैं ना वो पाउडर फॉर्म में है. सो इसको बेसिकली आपको गर्म पानी में, गर्म चाय में, आप उसमें डाल के पी सकते हो. ये मैं यहाँ पर भी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ. लाइक कभी मुझे लगता है मुझे जुकाम होने वाला है, मेरा गला खराब होने वाला है, सो मैं इसको पानी या गर्म चाय में डाल लेती हूँ. काफी काम आता है. आप कहीं ढाबे पे रुकते हो, आपको लगता है आपको गले में दर्द हो रहा है, अनइजी फील हो रहा है, आप नॉर्मल ढाबे पे चाय बनवाओ, उसके अंदर इसका थोड़ा सा पाउडर डाल दो एंड यू आर गुड टू गो. एकदम काढ़े वाली चाय आपकी बन जाती है, आपको अच्छा फील होता है, गले को आराम मिलता है. सो यार ये आपको देसी कशिका वाले नुस्खे हमेशा मिलेंगे, बिकॉज मैं ये सब लेकर चलती हूँ जस्ट इन केस कुछ हो जाए. वैसे मेरा गला इस बार भी खराब हुआ था, सो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है. देन मैंने रखा हुआ है ये कीरो का हाई डिफाइन सूदिंग आई लाइनर पेंसिल. मैंने पेंसिल रखी हुई है. थोड़ा बहुत ना मेकअप का मैं टचअप करने का अपने बैग में भी रखती हूँ कि जस्ट इन केस काजल हट गया या फिर कुछ एकदम मेकअप करना हो, हल्का सा फोटो वोटो लेनी है, बिल्कुल अजीब से बन रखे हो तो थोड़ा सा एक चाहिए होता है. सो मैंने ये वाला काजल कैरी किया हुआ है. इसका बाय द वे शेड है स्मोक्ड वॉयलेट. ये ब्लैक नहीं है, इसका बहुत अच्छा एक ब्लू टोन, डार्क ब्लू टोन सॉर्ट ऑफ शेड आता है जो काफी सही लगता है. चारकोल ग्रे ब्लू टोन जैसा इसका शेड आता है. सो दिस इज रियली नाइस. मैं इसको एज अ आई शेडो भी यूज कर लेती हूँ, ऊपर लगाया, स्मच कर लिया, एज अ काजल भी चल जाता है. सो आई लाइक इट. अनदर थिंग जो लिटरली मेरा ड्रग है आप कह सकते हो, मैं इसका नशा सॉर्ट ऑफ करती हूँ, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत असेंशियल है. मेरा गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है. लाइक मैं अभी भी बहुत देर से बोल रही हूँ ना, अब मुझे गले में पेन होना शुरू हो जाता है. सो मेरे साथ इशू है गले का. सो ये मैं हमेशा खाती हूँ. इसका नाम है योगी कंटिका फॉर थ्रोट रिलीफ. लास्ट ईयर जब मैंने मंथली फेवरेट्स करना शुरू किया था ना, आई थिंक जैन या फेब के फेवरेट्स में मैंने फीचर किया था और बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने जो व्यूअर्स थे उन्होंने खरीदा था एंड दे थैंक यू ऑन इंस्टाग्राम कि आपकी वजह से हमारा गला ठीक हो गया, हमें खांसी हो रही थी. लिटरली ये इतनी सी गोली और एक कमाल कर जाती है. सो इसके अंदर बेसिकली ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की ना, कैन यू सी, टाइनी टाइनी सी गोलियां हैं. टेस्ट इनका बहुत गंदा है, मैं आपको पहले बता रही हूँ. मैंने अपनी जितनी फ्रेंड्स को दिया ना, दे लिटरली स्पिट इट आउट कि क्या है ये, क्या खा रही है. इसका टेस्ट है थोड़ा गंदा बिकॉज इसमें सारे जो हर्ब्स होते हैं ना वो उनका मिक्स अलग है. आई कैन रीड मुलेटी है इसके अंदर, सुंती, जायफल, तुलसी, पुदीना, लौंग, कपूर, अजवाइन, ये बेसिकली हर्ब्स होते हैं और इसके इन्होंने छोटी छोटी गोलियां बनाई हुई हैं. ये आपके गले को बहुत आराम देती है. आप इसको वैसे भी ले सकते हो, आपको लगे ना आपके गले में अनइजी फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, छोटी सी गोली जीप पर रखो, इसको चूसते जाओ, इसको गटकना नहीं है, स्वालो नहीं करना, इसको चूसते जाओ, ये अपने आप मेल्ट हो जाती है और ये बहुत ज्यादा आराम देती है. आई हैव टू थिंग्स. सबसे पहले मैंने कैरी किया था ये वाला लिप बाम. ये लैक्मे का लिप लव लिप बाम जो मुझे काफी अच्छा लगता है. मैंने सबसे ज्यादा यही यूज किया था पूरी जो रोड ट्रिप की जर्नी है ना, जब हम गए और आए हैं, मैंने यही बाबा यूज किया है. बिकॉज ये लिपस्टिक लिप बाम दोनों का काम करता है. इसका बहुत प्यारा रेड कलर है, मतलब इसको लगा के आपको लगेगा ही नहीं आपने लिप बाम लगाया. इट्स लाइक अ प्रॉपर ग्लॉसी लिपस्टिक जैसे इसका फील आता है. दो ये एक लिप बाम है, ये आपके लिप्स को नरिश करता है. सो पहाड़ों में अगर आपके भी लिप्स क्रैक हो रहे हो तो ये काफी सही है. लिपस्टिक में मैंने कैरी करी थी ये मार्स की मैट स्टिक. इसका सेट ऑफ थ्री आता है, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज में दिखाया हुआ है, मंथली फेवरेट्स में दिखाया हुआ है. सो सेट ऑफ थ्री में ये एक शेड है 04 इंस्टेंट फ्लश. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. सी बहुत प्यारा न्यूड पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है जो काफी अच्छा लग रहा है, म्यूटेड लगता है, बिल्कुल भी लाउड ऑन फेस नहीं लगता. सो काफी बार मैं इसको लगाती थी. क्या मुझे डकार आ रही है,
नहीं, काफी बार मैं ये वाला न्यूड पिंक शेड लगाती थी और उसके ऊपर ये लिप बाम लगा लेती थी, तो काफी अच्छा एक डबल नरिशिंग ग्लॉसी सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आता था। तो मैंने ये दो चीजें कैरी करी हैं। फिर आती है एक और, जो सामने फ्रंट पॉकेट है और चीजें निकालते हैं, ये है मेरे पास कोलगेट का वेज शक्ति माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे, अगेन माय एसेंशियल, जो आई थिंक आपको ट्रिप पर कैरी करना ही चाहिए। सो ये बेसिकली कोलगेट का स्प्रे है, ऐसा टीनी टाइनी सा स्प्रे है एंड दैट्स इट। जब आप ट्रिप पर जाते हो ना, आपका ओवरनाइट जर्नी होती है, आप सोते हो थोड़ी देर के लिए बस स्टैंड से, सुबह उठते हो एक बैड ब्रेथ आती है, थोड़ा सा होता है, आप कुछ ढाबे पे रुक के प्याज वगैरह वाला खा लेते हो तो थोड़ा सा ना अजीब लगता है। सो आई रियली लाइक दिस, फटाफट ऐसे स्प्रे कर लिया, पूरा माउथ थोड़ा सा सैनिटाइज भी हो जाता है, मुझे प्याज लहसुन की अजीब सी स्मेल होती है वो भी चली जाती है। आई हैव अ फाइलर, आई ऑल्सो हैव अ वीडियो जिसमें मेरी फ्रेंड ने मेरी वीडियो बनाई थी। मैं लिटरली ट्रैकिंग पर जब सबसे टॉप पर गई थी ना, मैं वहाँ पर खड़े होकर ऐसे फाइल कर रही थी। मेरे साथ एक इशू है, मेरे नेल ना साइड से टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, पूरा ऐसे पील होने लगता है, फिर साइड में कट आ जाता है, फिर वहां पर मेरे कपड़े ऐसे स्टक हो जाते हैं, कोई कपड़े की स्टिचिंग निकल जाती है बिकॉज ऐसे अड़ जाता है ना, तो ऐसा कुछ हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं फाइलर हमेशा कैरी करती हूँ, इसको तो इनफैक्ट मैं अपने रेगुलर बैग में रखती हूँ, जो मैंने ट्रिप पर लेके गई थी। अब मैं बैग को पूरा सेट कर दूंगी ना, तो मैं निकाल दूंगी, बट ये ट्रिप पर भी बहुत काम आया था। सो मैंने अमेजोन से एक छोटी सी किट ली थी, मैनीक्योर पेडिक्योर सॉर्ट ऑफ एक किट थी, वो इतनी सी आती है, अमेजोन की कोई ब्रांड की थी, आई थिंक 300-400 रुपए की थी। उसके अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं और उसमें से एक छोटा सा स्माइल वाला टूल था फाइलिंग का। बेसिकली ये इतना कोई हाई क्वालिटी का नहीं है, बड़ा लो क्वालिटी का, मतलब एवरेज सा काम करने वाला एक फाइलर है। इसका बेसिकली ऐसा वाला मटेरियल होता है फाइलिंग का, दोनों साइड आपको ये मिलता है। सो इससे आप फाइल कर सकते हो, अगर आपका कोई भी नेल कट आ गया है, टूट गया है, वहां पे एक अजीब सा निकला हुआ है, तो ऐसे करके आप इजीली फाइल कर सकते हो। वेरी एसेंशियल फॉर मी, आ गया है हमारा मेन ये बीच का कंपार्टमेंट। सो वैसे मैंने अपने ये वाले बैग में एक जैकेट और एक पानी की बॉटल भी कैरी करी थी, जो अब नहीं है। ये दोनों चीजें आपको रखनी रखनी है। हम जिस कंपनी के साथ गए थे ना, उन्होंने भी हमें बेसिक लिस्ट दी थी कि आपके बैकपैक में ये होना चाहिए फॉर ट्रैकिंग। उन्होंने बोला था एक जैकेट रखना, एक पावर बैंक रखना और अम्ब्रेला रखना। तो ये तीनों चीजें तो मैंने रखी रखी हैं। सबसे पहले मैंने रखा था अम्ब्रेला, जो डेफिनेटली काम आया था जब हम ट्रैकिंग से उतर गए थे ना, ऑलमोस्ट तब बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने तब इसको यूज किया था। ये एकदम कॉम्पैक्ट सा अम्ब्रेला है, यहाँ से आप बैग खोलो पूरे से खुल जाता है, आपको इजिली ऑनलाइन मिल जाएंगे, काफी कॉम्पैक्ट भी होते हैं, स्पेस भी कम लेते हैं। सो ये अगर आप मॉनसून के टाइम पे पहाड़ों पे या कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हो ना, यू हैव टू कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, बिकॉज ये बहुत काम आता है। देन आई हैव द पावर बैंक, जैसे कि उन्होंने बोला था कि पावर बैंक कैरी करना है, वैसे भी हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो ऑब्वियसली पावर बैंक कैरी करते हैं। सो मेरे पास ये क्योर्स का पाउच है जो उनके ऑर्डर के साथ आता है, सो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, सो दैट इजी टू फाइंड हो। इसके साथ मैंने केबल्स भी रख दी थी, इसके अंदर मैंने अपना ईयरफोन की केबल और मेरे जो चार्जिंग पे लगने वाली केबल होती है ना, वो दोनों मैंने इसी पाउच के अंदर रख दी थी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ ब्लॉगिंग एसेंशियल, जो मैंने इतना यूज नहीं किया था, मैंने इसको खाली रूम में यूज किया, अदरवाइज मैंने जितनी बार भी ब्लॉगिंग करी है ना, मैंने हाथ से फोन पकड़ लिया था, बिकॉज टाइम नहीं होता यार कि इसको निकालो सेट करो। लेकिन अगर आप टाइम लैप्स बनाना चाहते हो, प्रॉपर स्टिक लेके ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो ये काफी सही चीज है। मैंने अमेज़न से लिटरली निकलने से 2 या 3 दिन पहले ऑर्डर करी थी। मेरा हाथ अगर इतना है ना, तो ये हल्की सी और बड़ी है, तो मेरे छोटे स्लिंग बैग में फिट आ जाएगी और ये यहाँ से ऐसे पहले खुलेगी। दिस इज द स्टैंड जहाँ पे आप फोन लगाते हो, तो अगर आपको रील स्टाइल में, अगर आपको इंस्टाग्राम स्टाइल में वीडियो बनानी है, तो आप ऐसे करोगे बिकॉज यहाँ से खुल जाती है, आप अपना फोन लगा सकते हो ऐसे इसके ऊपर यहाँ पर। और अगर आपको YouTube स्टाइल में वीडियो बनानी है, विच इज ऑब्वियसली ऐसे, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पर आपका फोन फिट आ जाता है, ये पूरा एक्सटेंड हो जाता है ऐसे। एंड यहाँ पर एक मिलता है आपको रिमोट, इट हैज अ डिटैचेबल रिमोट एज वेल, ये ब्लूटूथ रिमोट है, आपको सिर्फ एक बार कनेक्ट करना है अपने फोन को। इसमें मैं टैप करूंगी ना, अभी लाइट आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद मेरे फोन से कनेक्ट हो जाता है, तो मैं कोई भी दूर रख के इसको फोटोज ले सकती हूँ, फोटोज क्लिक कर सकती हूँ। वैसे तो मैं अपनी एप्पल वॉच यूज करती हूँ फोटोज लेने के लिए, बट अगर आपके पास ऐसी वॉच नहीं है तो आप ये ले सकते हो, इससे भी क्लिक करना काफी आसान हो जाता है और यहाँ के स्टक भी हो जाता है अगर आपको नहीं यूज करना। एंड यहां से खुलता है इसका बेसिकली स्टैंड नीचे ऐसे, और आप इसको प्लेस कर सकते हो, एक्सटेंड हो जाता है और ये एक्सटेंड होता है काफी लिमिट तक, लाइक लुक एट दिस। आप लिटरली लॉन्ग शॉट भी ऐसे ले सकते हो, अगर आप वाइड एंगल में ऐसा कोई शॉट लेना चाहते हो ना लाइक दिस, तो आप ले सकते हो, बिकॉज ये काफी लंबा है और किसी को मारने के भी काम आती है, बट ये मारने के लिए नहीं है, ये वीडियो बनाने के लिए है। सो आई रियली लाइक इट, आई थिंक कॉम्पैक्ट भी है। आगे फ्यूचर में अगर मैं ब्लॉगिंग करना चाहूंगी, मैं अपने स्लिंग बैग में लेकर रखना चाहूंगी, सो आई रियली लाइक इट। मैं इसका भी लिंक नीचे दे दूंगी। क्वालिटी वाइज ओके, मैंने जितना प्राइस पे किया आई थिंक ओके क्वालिटी है, इतनी कोई बुरी सी क्वालिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट अप आई हैव वन सनस्क्रीन, ये है मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन, जो मैंने जाते वक्त रखी। सो जब हम जा रहे थे ना रोड ट्रिप पर, मतलब घर से जब हम निकले थे, तब मुझे याद ही नहीं रहा कि एक सनस्क्रीन हमें अपने बैकपैक में भी रखनी चाहिए, बिकॉज रोड ट्रिप रात के बाद जब हम सुबह पहाड़ों में पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली धूप हमें मिलेगी, तो मैंने गलती वो करी थी। तो आते वक्त मैंने ये सनस्क्रीन रखी थी अपने पास, ये है मिनिमलिस्ट की हाई परफॉर्मेंस SPF 60 सिलीमरीन। इसका मैंने पूरा डेडिकेटेड रिव्यू किया हुआ है, तो प्लीज आप जाकर वो देखना। एक और मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन आती है, दोनों का मैंने मिलाकर एक डेडिकेटेड रिव्यू किया था, तो आप जाकर देख सकते हो।
नेक्स्ट अप आई हैव दिस कवर जो कि है मेरे शेड्स का. मैंने दो शेड्स कैरी किए थे, एक मेरी फ्रेंड ने पहना था, एक मैंने पहना था. ये दोनों ही ऑल्डो के शेड्स हैं. ऑल्डो पर जब भी बाय टू गेट 40% ऑफ समथिंग आता ना, मैं हमेशा खरीद लेती हूँ, बिकॉज ठीक रहते हैं. आई कांट वेयर दोज लोकल वाले सनग्लासेस जो आपको लोकल मार्केट में मिलते हैं, बिकॉज मेरा नंबर हाई है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती. लेंसेज पहनने के बाद मैं वो प्लास्टिक वाले लोकल वाले सनग्लासेस पहनने का रिस्क नहीं ले सकती, बिकॉज काफ़ी बार ना वो धूप को नहीं रोकते. वॉट इज़ द पर्पज ऑफ अ सनग्लास? धूप को रोकना. तो आप फैशन के चक्कर में कोई भी प्लास्टिक वाले सनग्लासेस मत ले लिया करो, वो धूप को रोकेंगे नहीं और धूप आपके आंखों में. So these both are from Aldo. I look nice in these. ये थोड़े से broad वैसे feel होते हैं, otherwise मैं ये ज़्यादा prefer करती हूँ, बिकॉज ये मेरे फेस कट पे ज़्यादा अच्छे सूट करते हैं. दीज बोथ आर फ्रॉम ऑल्डो. फर्स्ट एड किट आपको हमेशा कैरी करनी चाहिए. सो ये है एक ज्योमेट्री सॉर्ट ऑफ पाउच जो आई थिंक मैंने अलीएक्सप्रेस से लिया था. ऐसा कुछ ज्योमेट्री जैसे ही दिखता, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया इस बार ट्रिप पर, बिकॉज मैं को ढूंढ रही थी कि मैं फर्स्ट एड का सामान किस में डालूँ. इसमें मेरा फिट आ रहा था, तो सबसे पहले अंदर वाली पाउच में देखते हैं. आई हैव लोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉल जो मैंने आपको बाहर दिखाई थी ना, वो मैंने इसके अंदर भी डाली हुई है. ये ORS का जो सोल्यूशन होता है. देन आई हैव अ स्मॉल पैंटी लाइनर जस्ट इन केस एक्स्ट्रा. वैसे तो मुझे पीरियड्स हो गए थे वहाँ पर जाके, तो मैंने पैड भी रखा हुआ है बड़ा, बट एक छोटा पैंट लाइनर भी रखा हुआ है जस्ट इन केस आपको लगता है कि आपको होने वाले हैं लेकिन आप श्योर नहीं हो, आप स्टेन नहीं करना चाहते, तो एक पैंटी लाइनर लगा लो, काम चल जाता है. देन आई हैव मेडिसिन. आई एम नॉट श्योर मुझे ऐसे मेडिसिन के नाम बताने चाहिए, बट बेसिक मेडिसिन है तो मैं आपको बता सकती हूँ. सबसे पहले ऑब्वियसली कॉप्सल्स है जो गले की आती है. देन नेक्स्ट अप आई हैव लिवोसिट्रिजिन. ये मैं लेती हूँ जब भी मुझे रनी नोज होती है, मुझे छींकें बहुत ज़्यादा आती है, मेरी नोज बह बहुत ज़्यादा रही होती है, तो लिवोसिट्रिजिन ही मेरे ऊपर काम करती है, बिकॉज ये एकदम ओवरनाइट आपकी नाक को सुखा देती है. अगले दिन आपको रनी नोज नहीं होती. सो आई कंज्यूम दिस वन, लेकिन इस बार मुझे जुकाम नहीं हुआ था. देन आई हैव पैरासिटामोल जस्ट इन केस बदन दर्द हो, बॉडी में पेन हो, उसके लिए. देन आई हैव मेफ्टिल स्पास. ये पीरियड्स के लिए होती है, अगर आपको पीरियड में भयंकर वाला दर्द हो रहा हो तो मेफ्टिल स्पास काम आती है, जो मैं इतना नहीं लेती. एंड देन आई हैव डी कोल्ड. ये है डी कोल्ड नॉर्मल जो सर्दियों की होती है. एक और मैंने रखी थी विच इज़ वॉमी स्टॉप. सो वॉमी स्टॉप क्या होती है बेसिकली, आपको खाली पेट मत लेना फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन जैसे ही पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं ना, अगर आपको मोशन सिकनेस है, अगर आप पहाड़ों में जाते हो आपको उल्टियाँ आती हैं, तो पहले ही पहाड़ों में घुसने से पहले एक वॉमी स्टॉप की गोली खा लेनी चाहिए, उससे आपको उल्टी नहीं आती. वो मैंने अपनी रखी थी, वो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के लिए रखी थी. मुझे मोशन सिकनेस नहीं है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड को है, तो मैंने उसको दी थी. देन आई हैव रोको. रोको इज़ फॉर लूज मोशन. जिनको नहीं पता रोको का मतलब है आपके लूज मोशन रुक जाएंगे, आई होप इन्होंने यही नाम रखा हुआ, बट ये भी चाहिए होती है. काफी बार आप कहीं खा लेते हो, आपको लूज मोशन लग जाते हैं, सडनली यू फील अनइजी, तो रात को ले लो, नेक्स्ट आपका लूज मोशन रुक जाएंगे. नेक्स्ट अप आई हैव ग्लूकॉन डी की इम्यूनो वोल्ट टैबलेट्स. ये हमने पूरा एक पैक वहां पर खत्म कर दिया था, मैं इसके दो पैक्स लेके गई थी. ये न्यू पैक है जो हमारा इतना यूज नहीं हुआ. सो मैं जब केमिस्ट पर गई थी ना ये सब दवाइयां लेने, मुझे काउंटर पे दिख गया था. सो मैंने वो भैया से पूछा क्या है, सेड ये वही ग्लूकॉन डी जो पाउडर आता ना उसी की इन्होंने टैबलेट फॉर्म बना दिया, आप उसको रखो, च्यू करो, च्यू करते जाओ, ये मेल्ट हो जाएगी आपकी जीप पर. आप फिर आपको अलग से इसको पानी वानी में घोलना नहीं पड़ता, इजी टू ईट रहती है, इसलिए मैं ये लेके गई थी. और इसके अंदर है विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, हेल्थ सपोर्ट, इम्यूनिटी, ऑरेंज फ्लेवर की टॉफी है. सो कभी भी आप ट्रैकिंग पे जाओ, आपको लगता है वीकनेस फील हो रही है, थोड़ा बहुत अनइजी फील हो रहा है, तो ये काफी सही रहती है. दो मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ जो मैंने इस बार नोटिस करी, हमारे गाइड ने बताया हमें, विच इज डार्क चॉकलेट. मेरी एक फ्रेंड के पास डार्क चॉकलेट थी, मैंने उसके 2-3 पीस खाए एंड इट वर्क्ड. मतलब उसको खाने के 8 या 10 मिनट बाद ही मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना, मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ, मैं और अच्छे चल पा रही थी. और कुछ देखूं बचा है, फिर ये पीछे वाली पॉकेट है, इसमें पीछे पॉकेट है, यहाँ पर मैं रखती हूँ अपना कैश और जो भी कार्ड्स, मतलब जो भी होते हैं ना आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, आधार कार्ड एंड ऑल, जो हमें कैरी करके रखना होता है. एक मैंने अपनी फोटो रखी हुई है जस्ट इन केस ऐसी कॉन्टैक्ट करने के लिए. मैंने एक अपने फ्रेंड का विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है, सो दैट एक कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर है. थोड़ा बहुत मैंने कैश रखा हुआ है. देन आई हैव पैड्स. मैंने पैड्स के पैकेट्स रखे हुए हैं बहुत सारे, पैंटी लाइनर्स एंड ऑल. और फिर आती है पीछे वाली पॉकेट. ये तो मैं वैसे फोन रखने के लिए यूज करती हूँ, बट देखो इसमें क्या क्या है. ओके, आई हैव हाजमोला. एक मैंने हाजमोला रखी हुई है यहाँ पे, हैशटैग इंडियंस, बिकॉज हम ढाबे पे रुक रुक के जो हैवी खाना खाते हैं, फिर रोड ट्रिप पे ऑब्वियसली बस में जाकर बैठना होता है जल्दी, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना, तो हाजमोला काफी काम आती है. देन मेरी फोटो है, ऐसी मैंने आइडेंटिटी के लिए रखी हुई है बैग में, कि अगर कोई भले आदमी को मेरा बैग मिल जाए जस्ट इन केस मैं घूम जाऊँ या कुछ हो जाए, तो फोटो होनी चाहिए. फिर सैनिटाइजर्स के पाउच हैं, ये सॉफ्ट और सैनिटाइजर के पाउच तो मैं रेस्टोरेंट से उठा लेती हूँ, कहीं भी हम जाते हैं ना तो मैं थोड़ा बहुत रख लेती हूँ, ये काम आते हैं. सॉफ्ट भी मैं हमेशा रखती हूँ, बिकॉज खाने के बाद अगर थोड़ा सा इनडाइजेशन सॉर्ट ऑफ फील हो रहा है तो ये काम आता है. एंड विद दिस बैकपैक इज कंप्लीटली
एम्प्टी, कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा, हमारा पूरा हो चुका है. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई कैरी इन माई बैग पैक. इन सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. जो जो मुझे मिल पाएंगे अमेजोन से मैं वो डेफिनेटली डाल दूंगी. इसके अलावा आपको माई हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आपको ये सारी चीजें आप पे दिख जाएंगी विद प्राइजेस. तो आप इजिली शॉप कर सकते हो अगर आप एक क्लिक पर जाकर सब कुछ शॉप करना चाहते हो. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. डू लेट मी नो आप क्या कैरी करते हो. इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें एसेंशियल जो आई थिंक हमें बैकपैक में कैरी करनी चाहिए ट्रैकिंग के टाइम, ट्रैवलिंग के टाइम, जो मेरे से मिस आउट हो गई है, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आपका कौन सा एसेंशियल है जो आपको कैरी करना पसंद है. कोई भी कोई ज्ञान हो जो आपको देना हो, आप भी अपना ज्ञान शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर. मैं बहुत सारे शॉर्ट रिव्यूज करती हूँ इंस्टाग्राम पे जो बहुत ज्यादा काम आते हैं. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.